हेलो बच्चों, आज छठी कक्षा के वसंत पाठ्य पुस्तक से लिया गया साथी हाथ बढ़ाना नामक पद्य का वाचन करने वाली हूँ। साथ में ही उसकी व्याख्या, सारांश और शब्दार्थ भी दिया गया है। ओके, लेट्स स्टार्ट। साथी हाथ बढ़ाना, साथी हाथ बढ़ाना, एक अकेला थक जाएगा मिलकर बोझ उठाना। साथी हाथ बढ़ाना, हम मेहनत वालों ने जब भी मिलकर कदम बढ़ाया, सागर ने रास्ता छोड़ा, पर्वत ने शीश झुकाया। फौलादी हैं सीने अपने, फौलादी हैं बाहें, हम चाहें तो चट्टानों में पैदा कर दे राहें। साथी हाथ बढ़ाना, अपना दुख भी एक है साथी, अपना सुख भी एक, अपनी मंजिल सच की मंजिल, अपना रास्ता नेक। साथी हाथ बढ़ाना, एक से एक मिले तो कतरा बन जाता है दरिया, एक से एक मिले तो जर्रा बन जाता है सहरा, एक से एक मिले तो राई बन सकती है पर्वत, एक से एक मिले तो इंसान बस में कर ले किस्मत। साथी हाथ बढ़ाना। साथी हाथ बढ़ाना गीत साहिर लुधियानवी द्वारा लिखा गया है। ये गीत नया दौर फिल्म के लिए लिखा गया था। यह गीत आज़ादी के कुछ समय बाद लिखा गया था, जब देश का निर्माण हो रहा था। यह गीत हमें मिलजुल कर काम करने को प्रेरित करता है। कवि ने इस गीत में बताया है कि जब जब मनुष्य ने मिलकर काम किया है, तब तब उसने हर मुश्किल को आसानी से पार किया है। कवि के अनुसार सुख दुख का चक्र जीवन में हमेशा आता रहता है। हमें हर परिस्थिति में हमेशा अपनी मंजिल की ओर बढ़ते रहना चाहिए। दुनिया में हर बड़ी चीज़ छोटे छोटे चीज़ों से मिलकर ही बनी है। साथी हाथ बढ़ाना, एक अकेला थक जाएगा मिलकर बोझ उठाना। साथी हाथ बढ़ाना, हम मेहनत वालों ने जब भी मिलकर कदम बढ़ाया, सागर ने रास्ता छोड़ा, पर्वत ने शीश झुकाया। फौलादी हैं सीने अपने, फौलादी हैं बाहें, हम चाहें तो चट्टानों में पैदा कर दे राहें। साथी हाथ बढ़ाना, मेहनत अपने लेख की रेखा, मेहनत से क्या डरना, कल गैरों की खातिर की आज अपनी खातिर करना। इन पंक्तियों में कवि ने लोगों को साथ मिलकर काम करने को प्रेरित किया है। एक अकेला काम करते करते थक जाएगा, इसलिए भारत के निर्माण में सभी को हिस्सेदार बनने के लिए कहा है। भारतीयों का हौसला अफजाई करने के लिए कवि ने बताया है कि जब भी लोगों ने एकता के साथ काम किया, तब समुद्र ने अपना रास्ता छोड़ मदद की है, तथा पर्वत ने भी उनके सामने अपना सिर झुकाकर उन्हें जगह दी है। कवि के अनुसार हमारी बाहें और सीना फौलाद से बना है, जिससे हम मुश्किल काम कर सकने की क्षमता रखते हैं। कवि ने याद दिलाते हुए कहा कि हमने पहले भी गैरों यानी कि ब्रिटिश के लिए काम किया है, और आज हमें खुद आज़ाद भारत का निर्माण करना है। अपना दुख भी एक है साथी, अपना सुख भी एक, अपनी मंजिल सच की मंजिल, अपना रास्ता नेक। साथी हाथ बढ़ाना, एक से एक मिले तो कतरा बन जाता है दरिया, एक से एक मिले तो जर्रा बन जाता है सहरा, एक से एक मिले तो राई बन सकती है पर्वत,
एक से एक मिले तो इंसान बस में कर ले किस्मत, साथी हाथ बढ़ाना। इन पंक्तियों में कवि ने सुख दुख को लोगों का साथी बताया है, क्योंकि इनका क्रम जीवन में हमेशा चलता रहता है। हमें दुख में घबराना नहीं चाहिए, वहीं सुख में ज़्यादा उत्साहित भी नहीं होना चाहिए और अपनी मंजिल को और सदा कदम बढ़ाते रहना चाहिए। कवि ने एकता की ताकत को स्पष्ट करते हुए बताया है कि एक एक बूंद के मिलने से ही दरिया बनता है। छोटे छोटे अंशों को मिलाकर सहरे का निर्माण होता है। छोटे राई के दानों से पर्वत बन जाता है। उसी प्रकार अगर हर व्यक्ति एक दूसरे से मिलकर काम करे तो किस्मत को भी पलटकर उसे सुनहरा रूप दिया जा सकता है। इसीलिए हमें मिलजुल कर काम करना चाहिए। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और बेल आइकन दबाइएगा। अभी अगली वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू।